मंडी जिला के चौंतड़ा ब्लॉक में ग्रामीण महिलाओं ने ग्राम स्वयं सहायता समूह संगठन गठित कर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए हैं। ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंवला बर्फी, ढिंगरी मशरूम, विभिन्न तरह के अचार, बैग इत्यादि का उत्पादन कर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में चौंतड़ा ब्लॉक में लगभग 45 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं 6 ग्राम संगठन समूह बनाकर विभिन्न गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। इन्हीं ग्राम संगठन समूहों से जुड़ी महिलाएं आंवला बर्फी के साथ साथ ढिंगरी मशरूम का भी उत्पादन कर रही है। प्राकृतिक फल और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा वाले आंवला से महिलाएं आंवला बर्फी का निर्माण कर रही हैं। ये आंवला बर्फी न केवल सेहत के लिए अच्छी है बल्कि आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में आंवला से तैयार हो रही ये बर्फी सेहतमंद तो है ही, साथ ही खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। ये आंवला की बर्फी है ना, इसमें हमने तिल के तेल और देसी घी से बनती है ये, या इसका तेल में तिल का तेल यूज कर लो या देसी घी के साथ, और चीनी मिक्स है, और नेचुरल इसमें कोई मिक्स कुछ भी नहीं है इसके अलावा। प्लास्टिक नहीं होते बहुत सारे, बस प्लास्टिक के साथ ही रोल बना के टेपिंग किया है और उसके ऊपर धागे के साथ काम किया है। जो है वो ढिंगरी मशरूम भी तैयार कर रहा है, और ये कम से कम 30 किलो लगाई है हमने, और इसमें जो है अन्नपूर्णा आश्रम जो है उनके गुरु जी ने दिया ये हमें लगाने के लिए, तो इसमें कम से कम जो है 12-13 लेडीज काम कर रही है। और इसमें जो है सुंदर नगर में हमने ट्रेनिंग की थी मैंने और लीला दीदी जी ने, तो ये ट्रेनिंग हमने सोचा कि ये मशरूम का काम भी कर लेते हैं, तो ये ट्रेनिंग जो है हमने औरतों को फ्री में सिखाई भी है और काम भी करवाया है और थोक में लगवाई भी है। ये कम से कम 20 किलो हम बेच चुके हैं और ये बिकी है 200 केजी के हिसाब से, तो आगे कोई 2-3 महीने तक जो है वो देती रहेगी फसल, फरवरी लास्ट तक चलेगा भी ये सीजन। नमस्कार जी, हम अन्नपूर्णा ग्राम संगठन लदरुई से हूँ मैं, और हमारे साथ जो 4-5 संगठन मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें आरती ग्राम संगठन भरियाड़ा से है, एक मटरू से है, और दूसरा ओम नमः शिवाय जो है ग्रुप ग्राम संगठन है वो मचकेड़ से है, लक्ष्मी ग्राम संगठन जो टिकरू से है, आरती ग्राम संगठन जो भरियाड़ा से है, ये सब जो हम 5-6 समूह ग्राम संगठन जो मिलके काम कर रहे हैं। इसमें अगर सोचा जाए कि समूह कितने हैं, तो एक संगठन में कम से कम 8-9 समूह होते हैं तब एक ग्राम संगठन बनता है, तो 5 संगठन है तो मान लो अगर 9 समूह भी है तो 45 या 50 समूह जो हमारे मिलके काम कर रहे हैं। पर परमानेंट जो लेडीज होती है एक समूह में, जैसे 9 संगठन तो सभी महिलाएँ तो आती नहीं है काम में, कुछ महिलाएँ आती है, तो ऐसे हम 25-30 मिलके जो महिलाएँ काम कर रही हैं, जैसे इसमें काम रहते हमारे, जैसे हमने अचार बनाया है, मशरूम लगाए हैं, फिर जैसे दिवाली टाइम में हमने इसके गोबर के दीपक बनाए हुए थे तो उसके ऊपर काम किया था, साथ में जैसे कैंडल बनाई थी हैंडमेड जो गोबर के दीपक के साथ हमने जो किया था, तोरण का काम भी किया था जो अपने धर्म को प्रदर्शित करता है, हमारे धर्म को जैसे लांबे वगैरह होते वो अपने धर्म को प्रदर्शित करके एक झंडे जैसे बनाते हैं, तो वैसे हमने जो तोरण बनाए होते जिनको हम घरों में लगा सकते हैं, गाड़ियों में लगा सकते हैं, इस प्रकार के हम तोरण बनाए हुए थे, तो इस प्रकार से सभी महिलाएँ जो मिलकर काम कर रही हैं। थैंक यू।